Good morning, students. Myself Jagjit Singh from Shahid Bhagat Singh Polytechnic College. My subject name is Digital Communication. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंगल साइड बॉड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, सिंगल्स। तो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में क्या है, हम जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो क्या है, इसमें हम कैरियर को सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो एएम सिग्नल था उसमें जो थी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ थी 2 FM, ठीक है। और जो डबल साइड एज वेल एज डबल साइड बैंड जो सप्रेस्ड कैरियर था DSB, और उसमें भी जो थी बैंडविड्थ थी 2 FM। तो हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद है या मेन एम है वो है बैंडविड्थ को रिड्यूस करना। तो बोथ ऑफ दीज आर, यानी कि अगर हम बात करें एएम सिस्टम की, ठीक है, और डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर की, इसमें क्या थी, दोनों दीज आर इनएफिशिएंट सिस्टम, बोथ आर इनएफिशिएंट सिस्टम। ये क्या है, इनएफिशिएंट सिस्टम है। क्यों इनएफिशिएंट सिस्टम, क्यों इनएफिशिएंट है, क्यों है ये इनएफिशिएंट सिस्टम, क्योंकि इसलिए इनएफिशिएंट है क्योंकि दोनों में जो है बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जैसे एएम मॉड्यूलेशन है, इसमें एक अपर साइड बैंड होता है, ठीक है, एक लोअर साइड बैंड होता है, ठीक है। तो अपर एंड लोअर साइड बैंड में दोनों तरफ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सेम होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो वो रिमूव किस में होगा, सिंगल साइड बैंड में, यानी कि हम अगर बात करें एएम मॉड्यूलेशन या डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर की, तो इसमें हमारे पास आपको पता है कि जो एम मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है, उसमें एक अपर साइड बैंड होता है, ठीक है, ठीक, एक लोअर साइड बैंड होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इन्फॉर्मेशन है जो दोनों में वो सेम इन्फॉर्मेशन रहती है। तो क्या है कि हम इसमें से इन्फॉर्मेशन सेम रहती है तो इसके वजह से हमारे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो बैंडविड्थ को रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हम मूव हो गए हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बैंड रिमूव कर देंगे, जहाँ अपर वाला रिमूव कर देंगे या लोअर वाला रिमूव कर देंगे, ताकि जो हमारी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो SS यानी कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में है क्या, हम एक ही साइड बैंड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ओनली वन साइड बैंड इज़ ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, दिस इज LSB, ठीक है, दिस इज कैरियर एंड दिस इज अपर साइड बैंड। तो FC माइनस FM, ठीक है, इसकी क्या है, कैरियर फ्रिक्वेंसी FC और यहाँ पे कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे जो हम लोअर साइड बैंड को भी यूज़ नहीं करेंगे, कैरियर को भी नहीं करेंगे, दोनों हम सप्रेस कर देंगे। तो सप्रेस होने के बाद जो हमारी जो बैंडविड्थ है वो कितनी रह जाएगी, FM। क्या होगा कि हमारी जो बैंडविड्थ थी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे LSB जो लोअर साइड बैंड था वो भी ख़त्म कर दिया, अपर साइड बैंड था वो भी ख़त्म कर, कैरियर है जो वो भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, अपर साइड बैंड, तो जिसकी वजह से हमारी जो है बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो गई, ठीक है। ये था इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, सिंगल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर एडवांटेजेस।
ठीक है, उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हैं लॉट्स ऑफ पावर सेविंग, लॉट्स ऑफ पावर सेविंग। तो इसमें क्या हमें एक ही बैंड, अपर साइड बैंड ही सिर्फ ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इसकी जो पावर है वो काफ़ी हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर हमारी काफ़ी यहाँ पे बच जाएगी। नेक्स्ट है रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस। तो सेकंड जो हमारी एडवांटेज है, रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस, यानी कि जो नॉइस की इंटरफेरेंस है वो काफ़ी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इसमें तो ये इसके दो जो मेन है इसकी एडवांटेजेस है। थर्ड है क्या, थर्ड जो इसका मेन एडवांटेजेस है, दे आर लेस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, लेस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें जो बैंडविड्थ है उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो कितनी हमारे पास यहाँ पे जो बैंडविड्थ रह जाएगी, दिस बैंडविड्थ ओनली एफ एम जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास रहे। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या है वो जो है ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकेंगे हमें, तो मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स इसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे, मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन ट्रांसमिट, कैन ट्रांसमिट। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें सिंगल साइड बैंड की, तो सबसे पहले है लॉट्स ऑफ पावर सेविंग, क्योंकि हमने एक ही बैंड ट्रांसमिट करना है तो पावर सेविंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस, और नॉइस का लेवल वो काफ़ी, और थर्ड जो इसका क्या है मेन जो हमारा मोटिव था कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को कम करना, तो वो हमारे पास बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी रह जाएगी, एफ एम रह जाएगी, क्योंकि हमने एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट करना है। तो इससे क्या होगा कि हम एक काफ़ी सारे सिग्नल्स है वो इकट्ठे एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हो गया इसकी एडवांटेजेस। अगर नेक्स्ट इसकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, या लिमिटेशंस भी बोल सकते हो, या डीमेरिट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो इसकी अगर डी में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, सिंगल साइड बैंड की। तो उसमें सबसे पहले जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ एस बी एस, यानी कि इसकी जनरेशन है जो इसको जनरेट करना है, जनरेशन एंड रिसेप्शन, रिसेप्शन इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर इसकी हमने जनरेट करना है सिंगल साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो काफ़ी हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसका सिस्टम काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। और सेकंड जो इसमें जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है जो हमारा, ठीक है, उसमें क्या है, नीड टू हैव, नीड टू हैव हाई, नीड टू हैव एक्सीलेंट स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है रिसीवर और ट्रांसमीटर की जो है वो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इन केस ऑफ सिग्नल। अगर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो सिग्नल की ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं होगी। तो जो इसकी दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं कि यानी कि इसका जनरेट करना और रिसेप्शन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और सेकंड जो इसका है कि इसमें जो मतलब कि ट्रांसमीटर है रिसीवर है उसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अगर अगर एप्लीकेशंस की बात करी जाए सिंगल साइड बैंड की, कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में क्या हैं, वेयर लो पावर सेविंग है, लो बैंडविड्थ इज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे लो बैंडविड्थ, ठीक है, और एंड लो पावर रिक्वायरमेंट, लो पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है, यहाँ पे लो बैंडविड्थ और लो पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल साइड बैंड, यहाँ पे पावर हमारी जो है सेव हो जाए। ठीक है, तो लो पावर रिक्वायरमेंट यानी कि पावर सेविंग यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे हम ये
सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसे हम टेलीमेट्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेलीमेट्री में, टेलीमेट्री सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लैंड एंड एयर मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लैंड एंड एयर मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास है, इसको हम नेविगेशन नेविगेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम। ये इसकी तीन जो मेन एप्लीकेशंस हैं, टेलीमेट्री है, लैंड है और नेविगेशंस हैं, ये इसकी तीन जो है मेन एप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।